पौलोमी दास हुई घर से एविक्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पौलोमी दास घर से एविक्ट हो चुकी है। आपको इसके बाद ये भी बता दें कि इस वीक में जो नॉमिनेट हुए हैं घर से जाने के लिए, उनका नाम है रणवीर, विशाल, अरमान, दीपक, साईकेतन, सना, मकबूल, सना सुल्तान और मुनीषा। जी हाँ, इस वीक के लिए नॉमिनेट हुए हैं एविक्ट होने के लिए। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि जो बाहर वाला है, बाहर वाले ने ये बोला है कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, घर से कौन निकलेगा वो तो मैं ही देखूँगा। आपको ये भी बता दें कि एक वाक्य हुआ, जो टास्क चल रहा था, टास्क जिसमें वो जंपिंग करना था एक जगह पे खड़े होकर, उसमें शिवानी और कृतिका की लड़ाई भी हो जाती है, इसमें रणवीर और बहस हो जाती है कटारिया की। कटारिया और रणवीर बहस इसलिए कर लेते हैं, दोनों एक दूसरे से मुँह चलाने लगते हैं, एक दूसरे की एक्टिंग करने लगते हैं। फिर क्या होता है, रणवीर एकदम से जाके बैठते हैं, और जब रणवीर जाके बैठते हैं तो रणवीर बोलते हैं कि तू मुझसे बात मत किया कर, जब तू सही से नहीं बोलता है, बदतमीजी से बात करता है तो तू मुझसे बात मत किया कर। तो कटारिया बोलते हैं, मैंने बदतमीजी कहाँ करी, मैंने तो सिर्फ एक्टिंग करी जैसे आपने एक्टिंग करी। तो यही दोनों की एक दूसरे की बहस हो जाती है। फिर उतने में ये बोलते हैं रणवीर कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तू मुझसे बात मत किया कर, ठीक है, तू मुझसे एक ना दूरी बना कर रख, क्योंकि उससे बनती नहीं है कटारिया की, ठीक है। इसके बाद आपको ये बता दें कि जब रणवीर बैठा होता है अरमान मलिक के साथ, तो दोनों कुछ खतरनाक बातें करते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि अरमान ने बोला कि कटारिया एल्विश की वजह से यहाँ आया है, इसकी कहाँ कोई यूट्यूबर में गिनती होती है। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि अरमान ने इतनी बड़ी बात कह दी है कटारिया के बारे में, यानी कि कटारिया का कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ एक एल्विश की दम पर यहाँ पर आया है, बाकी उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो यही कहने का तात्पर्य था अरमान का, और ये बात उन्होंने शेयर करी थी किससे, रणवीर से। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। तो दोस्तों, यही वाक्या हुआ था बिग बॉस में अभी तक, आप देख सकते हैं। और अब देखना होगा कि आगे बिग बॉस में क्या होता है, किसकी लड़ाई होती है। परंतु जिस तरीके से बिग बॉस चलते जा रहा है, आप देख सकते हैं कि इस समय नज़दीकियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। आप देख सकते हैं सना मकबूल और नेज़ी के बीच में दोनों एक दूसरे से फ्लर्टिंग करते हुए कहीं ना कहीं नज़र आते हैं, और दर्शकों को भी कहीं ना कहीं ये खूब पसंद आ रहा है, दोनों एक दूसरे से जो बात करते हैं। और जितने भी टास्क होते हैं उनमें भी इनकी नज़दीकियाँ देखी जाती है। देखते हैं आखिर ये रिश्ता क्या मोड़ लेता है। जो गुस्सा हुआ था नेज़ी नॉमिनेट होने के कारण, कहीं वो रिश्ता वापस दोस्ती में अच्छे से बदलता है कि नहीं। और शिवानी जो है, उनके बालों में जुएं भी पड़ गए थे दोस्तों, आपको बता दें कि जिसके कारण बिग बॉस ने उनके लिए मेडिसिन भेजी थी और जुएं निकालने की कंघी भी भेजी थी, ताकि वो जुएं को निकाल लें, क्योंकि इससे घर वालों को भी परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इससे भी शिवानी भड़क गई थी कि आखिर कितने जुएं हैं, जो लोग मेरे से इतना दूर भाग रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा बुरा भी लगने लग गया था कि लोग उनसे दूर भाग रहे हैं सिर्फ ओनली जुएं के कारण। तो हाइजीन जो है वो सही नहीं रहेगा। आपको बता दें, यही सब वाक्या हुआ है बिग बॉस में। जी हाँ, तो अब देखेंगे कि इस हफ्ते नॉमिनेट इतने सारे लोग हुए हैं और एविक्ट कितने लोग होते हैं, और इसका पता चलेगा आपको बिग बॉस सिर्फ देखने पर।